नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्रों श्री कार्तिकेय एवं श्री गणेश के विषय में तो हम सभी जानते हैं, किंतु उनकी कन्या अशोक सुंदरी के विषय में सबको अधिक जानकारी नहीं है। हालांकि महादेव की और भी पुत्रियां मानी गई है, विशेषकर जिन्हें नाग कन्या माना गया, जैसे जया, विषहरी, शामिलबारी, देव और दोतली, किंतु अशोक सुंदरी को ही महादेव की पुत्री बताया गया है। इसीलिए वही गणेश जी एवं कार्तिकेय जी की बहन मानी जाती है। कई स्थानों पर इन्हें गणेश जी की छोटी बहन बताया गया है, लेकिन अधिकतर स्थानों पर यह मान्यता है कि यह श्री गणेश की बड़ी बहन थी। पद्म पुराण के अनुसार यह कहा गया है कि अशोक सुंदरी देव कन्या थी। इनकी उत्पत्ति के विषय में एक कथा आती है कि देवी पार्वती ने उन्हें कल्प वृक्ष से प्राप्त किया था। एक बार देवी पार्वती को उदास देखकर महादेव उनका मन बहलाने के लिए उन्हें स्वर्गलोक के नंदन वन ले गए। वहां कल्प वृक्ष को देखकर माता को अत्यधिक हर्ष हुआ और वे उसके नीचे ही बैठ गई। उस समय देवराज इंद्र ने माता की बड़ी सेवा की, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुई। उसी वृक्ष के नीचे बैठे बैठे अकस्मात अपने एकाकीपन को दूर करने के लिए उन्होंने एक पुत्री की कामना की। कल्प वृक्ष को तो कामना पूर्ण करने वाला ही माना गया है। माता की आकांक्षा जानकर कल्प वृक्ष से एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। उस अद्भुत कन्या को देखकर महादेव और महादेवी बड़े प्रसन्न हुए और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। माँ पार्वती ने उसे यह आशीर्वाद दिया कि उसका विवाह देवराज इंद्र जैसे शक्तिशाली युवक से होगा। समय बीता और अशोक सुंदरी युवा हो गई। उन्होंने पृथ्वी पर सम्राट पुरुरवा और देवी उर्वशी के पौत्र और महाराज आयु और राहु कन्या प्रभा के पुत्र महापराक्रमी नहुष के बारे में सुना। उस समय नहुष केवल एक बालक ही थे, फिर भी उन्होंने मन ही मन उसे अपना पति मान लिया। एक बार वो अपनी सखियों के साथ उद्यान में बैठी थी, उसी समय हुंड नामक एक राक्षस वहां आया। अशोक सुंदरी का सौंदर्य देखकर वह मुग्ध हो गया और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। इस पर अशोक सुंदरी ने हुंड को बताया कि उन्होंने नहुष को अपना पति मान लिया है, इसी कारण वे उससे विवाह नहीं कर सकती। यह सुनकर राक्षस क्रोधित हो गया और उसका अपहरण करने पर उद्यत हो आया, किंतु भगवान शंकर के भय से उसका यह साहस नहीं हुआ। उसने अशोक सुंदरी से कहा कि वह नहुष को ही मार डालेगा और उसके बाद उससे विवाह करेगा। ऐसा सुनकर अशोक सुंदरी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने राक्षस को श्राप दे दिया कि जा दुष्ट, तेरी मृत्यु नहुष के हाथों ही होगी। शिवपुत्री का ऐसा श्राप सुनकर वह राक्षस घबरा गया और उसने छल से राजकुमार नहुष का अपहरण कर लिया। नहुष का अपहरण कर हुंड उसे अपने नगर ले आया और अपनी दासियों को उसके पालन पोषण के लिए लगा दिया। हुंड की एक दासी नहुष के बाल रूप पर मोहित हो गई और उसे अपना पुत्र मानकर उसे हुंड से बचाकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में छोड़ दिया। महर्षि के आश्रम में ही वे बड़े हुए और सभी शस्त्र शास्त्रों में पारंगत हो गए। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से ही उसे अपने जन्म का ज्ञान मिला और वे वापस अपने पिता आयु के पास पहुंचे और सारे राज्य को संभाला। नहुष के बाद महाराज आयु के 4 पुत्र और हुए। उनके नाम थे छत्रवृद्ध, रंभ, रजी एवं अनेनस। ये सभी और समस्त राज्य नहुष के संरक्षण में सुरक्षित रहने लगे। उधर जब हुंड को इस बात का पता चला तो उसने अशोक सुंदरी के अपहरण का प्रयास किया, किंतु मार्ग में ही उसका सामना नहुष से हुआ। नहुष और हुंड में भयानक युद्ध हुआ और अशोक सुंदरी के श्राप के कारण उस युद्ध में नहुष ने हुंड का वध कर दिया। अशोक सुंदरी को देखकर नहुष भी काम पीड़ित हो गए। अशोक सुंदरी ने नहुष को अपने बारे में बताया और कहा कि समय आने पर दोनों का विवाह अवश्य होगा। इसी बीच इंद्र के हाथों वृत्तासुर का वध होने से उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया और वे 1000 वर्षों तक प्रायश्चित करते रहे। इंद्र का सिंहासन इतने काल तक रिक्त नहीं रह सकता था, इसीलिए उसी काल में देवताओं ने नहुष को इंद्रपद प्रदान किया। देवराज बनने के बाद नहुष ने महादेव और देवी पार्वती की सहमति से अशोक सुंदरी से विवाह किया। हालांकि बाद में इंद्राणी शची पर कुदृष्टि डालने के कारण नहुष सप्तर्षि के श्राप से ग्रस्त हुए और अजगर के रूप में पृथ्वी पर गिरे। कालांतर में युधिष्ठिर के हाथों उन्हें श्राप से मुक्ति मिली। मत्स्य एवं अग्नि पुराण के अनुसार नहुष और अशोक सुंदरी को 7 पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति हुई। हालांकि महाभारत के अनुसार इनके 6 और पूर्व एवं पद्म पुराण के अनुसार इनके 5 पुत्र ही बताए गए हैं। इन दोनों के ज्येष्ठ पुत्र थे यति। हालांकि ये सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, किंतु इन्होंने कम आयु में ही संन्यास ग्रहण कर लिया, जिसके कारण इनके भाई ययाति को राज्य प्राप्त हुआ। इन दोनों के दूसरे पुत्र थे ययाति।
यति के संन्यास लेने के बाद ये राजा बने। इन्हें विश्व का पहला चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है। इन्होंने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और राक्षस राज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह किया। इन दोनों से इन्हें 5 पुत्र हुए। देवयानी से इन्हें 2 पुत्र हुए, यदु एवं तरवसु, एवं शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, ध्रुहु, अनु एवं पुरु। हालांकि शुक्राचार्य के श्राप के कारण राज्य इनके सबसे छोटे बेटे पुरु को प्राप्त हुआ, जिससे पुरुवंश चला, जो आगे चलकर पुरुवंश के नाम से विख्यात हुआ। इसी महान कुल में दुष्यंत, भरत, हस्ती, कुरु, भीष्म, कौरव और पांडवों का जन्म हुआ। सबसे ज्येष्ठ पुत्र यदु से यदुवंश चला, जिसमें आगे चलकर श्री कृष्ण ने जन्म लिया। इन दोनों के तीसरे पुत्र थे संयाति। ये भी बहुत ही कम आयु में परिव्राजक बन गए और इन्हें शर्याति के नाम से भी जाना जाता है। इनके चौथे पुत्र थे अयाति, जो उद्धव के नाम से भी जाने जाते हैं। इन दोनों के 5वें पुत्र थे अश्वक, जिन्हें पार्श्वक या अंधक के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के 6ठे पुत्र थे व्याति, जिन्हें विजाति, सुयाति, कृति और ध्रुव के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों के सबसे छोटे पुत्र थे मेघजाति, जिन्हें मेघपालक के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार नहुष और अशोक सुंदरी के पुत्रों से ही आगे चलकर समस्त राजवंश चले, जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर राज्य किया। दक्षिण भारत में अशोक सुंदरी को बाला त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हो तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।